लाहौर कलंदर ने आज पीएसएल की नाकाबिले शिकस्त टीम मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे दी है। लाहौर कलंदर ने 52 स्कोर से आज का ये मैच जीता है। अभी हम आपको 90 न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो मुल्तान सुल्तान का पावर प्ले था, और पावर प्ले में वो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं कर सके। जैसा कि हर टीम की कोशिश होती है कि वो पावर प्ले के अंदर 50 स्कोर करे बगैर किसी नुकसान के, लेकिन आज लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान को बिल्कुल खुलकर खेलने नहीं दिया, बल्कि उनकी एक विकेट भी आउट गई। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ फील्डिंग हुई है, उतनी खूबसूरती के साथ बॉलिंग की गई है। ये देखिए शाहीन अफरीदी किस बॉल पे किस तरह कैच पकड़ा गया है, डाइव लगा के कैच हुआ है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ हर फील्डर ने अपना 100% अपनी टीम को दिया। आज लाहौर कलंदर ने यह साबित कर दिया है कि उन्होंने अपने होम ग्राउंड के ऊपर मुल्तान सुल्तान को जीतने नहीं दिया। आपको बताते चलें, मुल्तान सुल्तान नाकाबिले शिकस्त टीम थी इस टूर्नामेंट के अंदर, वो अभी तक कोई मैच भी ना हारी, लेकिन आज का ये मैच लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान को 52 स्कोर से हरा दिया। आपको एक बार फिर बताते चलें, और ये आप 90 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि आपको पावर प्ले की कुछ झलकियाँ दिखाई जा रही हैं, मुल्तान सुल्तान को पावर प्ले में किस हद तक खेलने नहीं दिया गया। मुल्तान सुल्तान अभी देख सकते हैं चौथा ओवर था और 24 स्कोर थे। मुल्तान सुल्तान 35 स्कोर करने में कामयाब हुआ इस पीएसएल के पावर प्ले के पहले मैच में, जिसमें मुल्तान सुल्तान को शिकस्त हुई है। आज का ये मैच लाहौर कलंदर ने अपने नाम किया। शॉट लगाने का मौका था लेकिन ये बार खाली गया मकसूद का।